हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में, रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजन, उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। इसके लिए पिता का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियजनों, जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रभु का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, मेरे प्रियजनों, उस परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, चांद सितारों को बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया, हर एक मनुष्य को, जीव जंतुओं को, हर एक चीज जो आप देखते हैं, अच्छी से अच्छी चीज, वह सब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, ठीक है। मेरे प्रियजनों, इस आकाश पर, इस धरती पर बहुत सारे देवी देवता कहलाते हैं, परंतु कहलाते तो हैं, परंतु हमारे निकटतम तो हमारा एक ही प्रभु अर्थात एक ही मसीह अर्थात यीशु मसीह, वही अल्फा ओमेगा सर्वशक्तिमान है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियजन, ठीक है, मेरे प्रियजन, आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घबराहट होती है आपके अंदर, यदि आप सुखी नहीं हैं, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने दुखों से, अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना है, किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाना है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को हमारा प्रभु नया करेगा, ठीक है। मेरे प्रियजनों, रोना नहीं है, डरना नहीं है, अपने हालातों से टूटना, घबराना, दूर होना नहीं है, परमेश्वर से बोलना है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, यदि आपकी शादी नहीं हो रही, अपनी शादी को लेकर रो रहे हैं, यदि आपके घर में गरीबी है या लड़ाई झगड़ा होता है, फूट विधर्म है, मेरे परिवार में तितर बितर मचा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है, यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा। वह दूर करने वाला परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, मैं दब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकताएं हैं। वो परमेश्वर है, वो हम सभी को बदलना चाहता है, हमारे जीवन को हमारा परमेश्वर नया करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलना चाहता है। वह इतना महान परमेश्वर है जिसने हम सभी के खातिर उसने अपनी जान दे दी। जो सजा हम मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारा प्रभु, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हो गया, और तीसरे दिन मृतों में से वह जी उठा। मेरे प्रियजन, वह जीवित परमेश्वर है, वह जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को, तेरे हृदय की बातों को, तेरी इच्छाओं को, तेरे मन की बातों को मैं जानता हूँ, मैं जानना परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, हम सभी को अपनी बातों को यीशु मसीह शेयर करना है, परंतु हमारा प्रभु तो हमारे मांगने से पहले जानता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, अरे तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम मेरे वचन में बने रहो, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने कहा, जिस भूमि पर, जिस नगर में तू अपना पैर रख देगा, वह नगर तेरा हो जाएगा, जात जात के लोग तेरे हो जाएंगे। मेरे प्रियजनों, पिता ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से। यीशु मसीह ने कहा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का छुटकारा होगा। जब तक हमारे अंदर जीवन है, श्वास है,
प्राण हैं तब तक हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, बीच में यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। और यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उसके चेले हैं, उसकी भेड़े हैं, उसका शब्द सुनते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानिए, आप उसके पीछे चलिए। कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मनुष्य आपको मेरे प्रियजनों भरमानी ना पाए, ठीक है। इस प्रार्थना को आगमन करके सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम के जय जयकार करते हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु। आप महान पिता, आप दयालु पिता, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु पिता, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु। जो आपने मेरे पिता हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है पिता, संभाल के रखा है पिता, सुरक्षित रखा है पिता, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते हैं पिता फिर भी नहीं मानते हैं पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ धुआं युगा निगुड़ता रहता है पिता, वे उस स्थान पर चले गए पिता। जो आपने मेरे पापा हम सभी का प्रभु नाम लेके बुलाया है पवित्र आत्मा जी, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक नया जीवन देने के लिए, एक अमर जीवन देने के लिए प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा यीशु पापा। मेरे पिता आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है प्रभु, आपने ऐसा कहा है प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई बहन अपने मोबाइल पे सुन रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं पिता। जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो हॉस्पिटल वार्ड में, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े पिता, रोना बिलखना चिल्लाना उठा है प्रभु पिता, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवन में आइए पिता। जो दुख हैं, जो समस्या हैं, वो समस्या जाए सुमसी के नाम से प्रभु। जिनके कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, जकड़े हैं पिता, हर प्रकार के बंधन से जकड़े, दुष्ट आत्माओं के बंधन, शैतान के बंधन से जकड़े हैं सुमसी, हम चाहते हैं प्रभु ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आज़ादी को रसीव करें अपने जीवन में, आज़ादी को रसीव करो बोलकर आमीन, आज़ादी को रसीव करो बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। आपकी बीमारियाँ जाएंगी, आपको चंगाई देगा परमेश्वर, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में बरकतें आएंगी, आपके जीवन में हमारा परमेश्वर डबल आशीष देने जा रहा है। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, ठीक है। यीशु मसीह का वचन कहता है कर्म बिना भक्ति व्यर्थ है, यदि हम कर्म ना करें और विश्वास करते हैं तो हमारी भक्ति व्यर्थ है मेरे प्रियजनों। हमें पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना है, पाप होता भी है तो यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह का वचन कहता है हर एक मनुष्य को यीशु मसीह के पास आने के खातिर से विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है, वो हमारे कामों को सफल करेगा, वो हमारे मांगने से पहले जानता है, वो हमें देगा। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके काम बंद पड़े हैं पिता, जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, जिनकी नसें बंद पड़ी हैं, जिनकी हड्डियां जाम पड़ी हैं प्रभु, जो लंगड़े नहीं चल पाते, जो अंधे नहीं देख पाते प्रभु, हम चाहते हैं इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी टच कीजिए पिता, हर एक जन को ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक प्रकार की बीमारियां जाए पिता, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिन बहनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, शैतान पूरी तरह से जकड़ के रखा है, लड़ाई झगड़ा डालता है, बैर डालता है, दुश्मनी डालता है, क्रोध विरोध फूट विधर्म डालता है प्रभु, हम चाहते हैं पिता दुष्ट आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियाँ छिपे बैठी अंधी आत्माओं बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनका शरीर और चले जाओ यीशु मसीह के नाम से, जल जाओ, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए जिन बहनों के बच्चे नहीं थे पिता, पिता बहुत इलाज करा चुकी, टूट चुकी, बिखर चुकी प्रभु, अपने संतान को लेकर पिता संतानें नहीं होती पिता प्रभु, जिनकी कोख बंद पड़ी है वो कोख खुल नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो नशे ब्लॉक हो चुके हैं वे नशे फिर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। हर काला जादू टूट जाए, हर काला दर के बंधन जल जाए, हर गंदे दुष्ट आत्मा बदतर ही आत्मा के जीवन से भाग जाए, भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यदेशु 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 पवित्र 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 हालेलुया 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 धन्यदेशु 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 मेरे पिता आपकी तारीफ करते बड़ाई करते महिमा करते जय जयकार करते मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता जो मसीह में पिता रात में नहीं सो पाते पिता ने डर लगता भय लगता प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे पापा मुझे विश्वास से पिता आपने प्रार्थना को सुना है पिता ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।